हो जाता है जी। तो पंडित जी, इसके साथ ही राशियों का भी अब रुख कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, हर जातक ये जानना चाहता है कि आज की राशि उसकी क्या कहती है। जी बिल्कुल, देखिए आज गगन जी आप इतने सम्मान से हमारे दर्शकों से और हमारे दर्शकों का इतना दुलार से इतना सम्मान से बात करते हैं, तो निश्चित रूप से लोग जुड़ जाते हैं और इसी के लिए प्रथम बात करते हैं मेष राशि के लिए। जी आज जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। मेष राशि के जातकों को किसी बड़ी उपलब्धि को पाने पर घर में बधाइयां देने वालों का आवागमन लगा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने प्रियजनों से किसी बहस में ना पड़े, इस समय कुछ झगड़ों की संभावना है, इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखें वृषभ राशि के लोग। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज राजकीय सहयोग से कार्य सिद्धि होगी। समय से भोजन और पर्याप्त नींद न आने के कारण शरीर में अव्यस्तता अनुभव होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज आपका दिन घूमने फिरने में बीत सकता है। आप दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। आपका कोई जरूरी काम अधूरा रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज सितारों के प्रभाव से दोस्तों के साथ रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। अगर आपको किसी मामले में कठिनाई महसूस हो रही है तो अपने पार्टनर से सलाह लें, कि आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज आपका स्वाभिमान बना रहेगा। किसी मजबूर व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। किसी धार्मिक काम में भी आपका पैसा लग सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी सोशल वर्क में सहयोग कर सकते हैं, इससे सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों। आज आप अपनी रोमांच से भरी जिंदगी से बोरियत महसूस कर रहे हैं। आपको चाहिए कि अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव अवश्य लाएं। शहर से बाहर घूमने जाएं या किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लें। बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज नई योजनाओं में आपकी सहभागिता रहेगी। आपके लिए जीवन साथी की लापरवाही संबंधों में दूरी बढ़ा सकता है। बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। बिजनेस में धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। काम के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, जिसके कारण आपकी सराहना मिलेगी और आप लोगों के आकर्षण का केंद्र आज रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज ऐसी जानकारियों को उजागर ना करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी आज ठेस पहुंच सकती है। यह है आज का हमारा अपना राशिफल जी। और लक्ष्मी के जी के बारे में हम पूछ रहे हैं, श्री सुकत या लक्ष्मी जी सुकत पाठ भी होता है जो करना चाहिए, किसी खास दिन करना चाहिए? देखिए क्या बात कर दी आपने गगन जी, आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा लगा। देखिए लक्ष्मी सुक्त की बात जो कर रहे हैं, ये श्री सुक्त बोलते हैं, और श्री सुक्त का जो पाठ है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। श्री शुक्र का जो लोग पाठ करते हैं उनके लक्ष्मी का निवास होता है, और श्री शुक्र के पाठ के साथ आपको बता दें पुरुष शुक्र का पाठ भी होना चाहिए जी। और जहाँ पुरुष शुक्र का पाठ होता है, लक्ष्मी शुक्र का पाठ होता है, वहीं तो लक्ष्मी का विराजमान होता है। और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमारे गगन जी सारे दर्शकों के घर में लक्ष्मी भर देना चाहती है, और इसी के लिए प्रसन्न भी ऐसा शानदार चुना है इन्होंने। इनको बहुत आशीर्वाद है, बहुत आपको आशीर्वाद जी। लक्ष्मी जी का जो प्रसन्न करने की स्थिति बात करते हैं, देखिए ये प्रतिदिन जो श्री शुक्र का पाठ करता है, पुरुष शुक्र का पाठ करता है, उनके यहाँ घर में लक्ष्मी का निवास होता है। पर इसके साथ श्री नारायण कवच और करें, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करें, व्यापार में गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए, और घर में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से भी लक्ष्मी का आगमन रहता है जी। और श्री शुक्र का पाठ करें तो कहना है क्या जी, प्रेषते लक्ष्मी च पत्न्यां बहो रात्रे पारस्वे नक्षकाणि रूप वश्विनो व्याप्तं मा महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी की कृपा जो लोग श्री शुक्र का पाठ करते हैं उनके घर में निश्चित रूप से। कुछ लोग जो है वो खुद से पाठ नहीं कर पाते, तो क्या ऑडियो यूट्यूब पे ऐसे कहीं सुन भी सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आप आज के युग को देख करके बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ये पाठ नहीं कर सकते क्योंकि क्लिष्ट होता है, संस्कृत में होता है, इसलिए ऐसे जातक YouTube पे सुने और Google पर पढ़ें, लेकिन ये आपके प्रतिदिन घर में चलता है और गोपाल सहस्त्र नाम चलता है, बहुत लाभकारी बहुत शुभकारी होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज लक्ष्मी जी को कैसे खुश किया जाए, ये सब तमाम उपाय आपने बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन शुभकामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भाग्यफल में आज इतना ही, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।